अस्सलाम वालेकुम। सुनहरी बातें चैनल पर आप सब बहनों और भाइयों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों पर ये एतराज करते हैं कि मुसलमान बुजुर्ग कम उम्र लड़कियों से शादी करते हैं। तो आज हम इसी मुतल्लिक एक वीडियो दिखाएंगे जो कि नाइजेरिया से है। तो बिना किसी देर के चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। माशाल्लाह। ये सही है या गलत? डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। फ्यू डेज बिफोर देयर वाज एन आर्टिकल ऑन 10th ऑफ मे इन हिंदुस्तान टाइम्स विद रिगार्ड्स टू हजरत आयशा वाज 19 नॉट 9। कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दैट? इस खातून ने कहा था कि कुछ रोज पहले भारत के एक अखबार में एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें ये कहा गया है कि शादी के वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 9 बरस नहीं बल्कि 19 साल थी। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोगों को इस मालूमात से ये लगेगा कि हजरत आयशा की उम्र 9 नहीं बल्कि 19 साल थी, मगर अहदीस की रोशनी में ऐसा नहीं है। अहदीस के मुताबिक हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो उस वक्त 9 बरस की थी। हिंदुस्तान टाइम में छपने वाले इस आर्टिकल का हवाला जानबूझ कर दिया गया था और ये आर्टिकल झूठ पर मबनी था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी लगभग ऐसी ही बात की। आइए आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सही बुखारी के हदीस के मुताबिक हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी दरअसल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो उनकी उम्र सिर्फ 9 बरस थी। लेकिन बहुत से जदीद उलमा बनने की कोशिश करने वाले लोग या बहुत से दीन इस्लाम के ऐसे लिबरल उलमा, जब उनको कोई जवाब नहीं मिलता और उनसे कुफार या दीन इस्लाम से नफरत करने वाले लोग जानबूझकर ये सवाल रखते हैं तो वो उन लोगों को समझाने के लिए और कोई भी मंतक लाने के लिए ये कह देते हैं कि वो 9 नहीं 19 है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लिबरल और नाम निहाद ये उलमा ये कहने लग जाते हैं कि अरबी जबान में लफ्ज अशरा इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब 10 होता है और वो 10 जमा 9 करकर 19 साल बनते हैं, लिहाजा हजरत आयशा की उम्र थी ही 19 साल और जो कि मुनासिब है। बहुत से लोग इस दलील से कायल भी हो जाते हैं क्योंकि 19 साल की कोई भी खातून इस दौर के लिहाज से बालिग तसव्वुर की जाती है और उससे शादी की जा सकती है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने फरमाया था कि ये हदीस सच है कि वो 9 साल की थी और मैं आपको बताऊंगा कि वो 9 साल की होते हुए भी ये शादी कैसे हक पर थी। Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible. That is the reason the time justify, and they say that actually the statement is 19 because in Arabic we had an ashra. So this is ashra. The 10 is missing. We said 10, 9 for 19. 9 actually should be 19. This is the assumption. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये 9, 10 और 19 वाली बात गलत है और आमतौर पर नाम निहाद स्कॉलर्स या दौरे जदीद के ये उलमा उस मौके पर ये बात करते हैं जब वो फंस जाते हैं और उनसे लॉजिकली साबित नहीं हो पाता कि हजरत आयशा की उम्र 9 साल थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी कर ली, ये तो गलत हो जाएगा, इसका जवाब देने से इस्लाम का तासुर खराब हो जाएगा, लिहाजा वो लोग इसको 9 से 19 कर देते हैं जो कि गलत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुकम्मल तहकीक के बाद साबित हुआ है कि यह हदीस भी सच है जिसमें कहा गया है कि हजरत आयशा की उम्र 9 साल थी। तो सवाल यह पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इतनी कम उम्र लड़की के साथ शादी कैसे कर सकते हैं? मौजूदा दौर के लिहाज से भी देखा जाए तो ये एक जुल्म लगता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसकी लॉजिक किसी के पास नहीं होती, मगर आज मैं आपके सामने इसकी लॉजिक रखने जा रहा हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और मुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया गया है कि किसी भी खातून को बलूगत की उम्र में पहुंचने तक, मिसाल के तौर पर भारत में अगर देखा जाए तो वो तकरीबन 13 या 14 साल की उम्र में बालिग हो जाती है। अमेरिका में 12 से 13 साल की उम्र में खवातीन बलूगत पर को पहुंचती हैं और इस तरह से हर मुल्क की खवातीन बलूगत को मुख्तलिफ उम्रों में पहुंचती हैं। लिहाजा किसी भी खातून का बालिग होना जिस मकाम पर वो रहती है उस मकाम के इर्द गिर्द के हालात, वहाँ का मौसम, उसकी खुराक और दीगर सूरत हाल पर मुतासिर है। यही वजह है कि अमेरिका में 12 और भारत में 13 और कुछ अरब या गर्म ममालिक में इससे भी कम उम्र में लड़कियां बलूगत को पहुंच जाती हैं, यानी वो शादी के काबिल हो जाती हैं। And how to justify that? When I was in the medical college, I passed in 1991, and in the 80s, we taught in the medical college that a lady, she reaches puberty and adulthood, maturity, at the age of approximately, in India, it is about 13 to 14, 15, in America it's about 12 to 13, and the age factor of the puberty keeps on changing depending upon the atmosphere, depending upon the surrounding, depending upon the diet, depending upon the climate. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बदलते हालात और बदलते मौसमों और खुराकों की वजह से आज भारत, अमेरिका में भी बहुत सी लड़कियां 10 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं और ये सब कुछ मेडिकल साइंस से साबित शुदा है। और साइंस ये भी कहती है कि अगर आज के दौर में कोई खातून या लड़की 9 या 10 साल की उम्र में बालिग हो जाती है तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से डॉक्टर ये समझते हैं कि अगर कोई लड़की 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती है तो इसमें परेशानी की बात नहीं है, अलबत्त अगर कोई लड़की 9 साल की उम्र से भी पहले बालिग हो जाए तो फिर ये मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है। Approximately 12, 13, 14. But even if a girl starts menstruating at the age of 10, even 9, it's nothing to be alarmed of. If the age of menstruation is below the age of 9, then there is a concern. On this scientific fact that... Point. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर कोई खातून या लड़की 9 साल की उम्र में बालिग हो सकती है तो शरीयत के मुताबिक वो उस उम्र में शादी भी कर सकती है और इसमें कोई बुराई या मजायका नहीं है, ना ही कोई गुनाह है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी बताया कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने अपने कवानीन के हिसाब से शादी के लिए खास उम्र मुकर्रर कर रखी है और वो बलूगत को नहीं देखते हैं, लेकिन दीन इस्लाम और शरीयत के मुताबिक जब भी लड़का और लड़की बालिग हो जाएं तो वो शादी कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इन तमाम हकायक को देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा मुनफरिद थी और वो 9 साल की उम्र में ही बालिग हो गई थी। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं जब हम इस्लामी तालीमात और इस्लाम की तारीख और अहदीस का मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बहुत ज़हीन भी थी, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें मुख्तलिफ खुसूसियात से नवाज रखा था। यही वजह है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जानिब से बेशतर बल्कि बहुत ज्यादा अहदीस बयान की गई है और बहुत सी अहदीस उन्हीं से रिवायत हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि बहुत से जदीद या लिबरल उलमा ये भी कहते हैं कि हजरत आयशा को 10 साल इंतजार करवाया जाता और जब वो 9 से 19 की हो जाती तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे शादी कर लेते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से शादी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बमुश्किल 10 साल ही जिंदा रहे। इस काम में अल्लाह की हिकमत थी और शायद ये अहादीस दुनिया तक पहुंचाना थी। यही वजह थी कि अल्लाह तआला के हुक्म के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से 9 बरस की उम्र में ही शादी की थी और जो कि उस वक्त और शरीयत के लिहाज से बिल्कुल ठीक था। Intelligent, she was very matured, and alhamdulillah, mashallah, because of that, we know that many ahadith are narrated by the wife of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. She could have waited for 10 years and then got married. Some of the Orientalists, some of the so-called modern Muslim scholars, if she had waited for another 10 years, we know that after the Prophet married her, the Prophet hardly lived for 10 years. So if she had married after that, she wouldn't be able to narrate the hadith that we know. डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और उनका जवाब मुकम्मल हो चुका था और वो ये था कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 9 बरस की उम्र में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की, मगर वो उस वक्त बालिग हो चुकी थी और बालिग होते हुए शादी करना शरीयत के मुताबिक इस्लाम इसकी इजाजत देता है। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब अच्छे लगे होंगे क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जब भी बोलते हैं हमेशा कुरान और हदीस के मुताबिक बोलते हैं। और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वीडियो एंड तक जरूर देखी होगी। जैसा कि हमने आज की पहली वीडियो में देखा कि नाइजीरिया में एक मौलाना ने एक बहुत ही कम उम्र की लड़की से शादी की है और जिसके बाद बहुत से लोगों ने इस पर एतराज किया है कि ये इस्लाम में जुल्म है कि इतने बड़े उम्र के मर्द से इतनी कम उम्र की लड़की से शादी नहीं होनी चाहिए, ये ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। तो नाजरीन, ये बातें वो लोग कर रहे हैं जो कि आए दिन इस्लाम के बारे में कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। और उसके बाद में हमने डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो देखी कि जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने हमें बताया कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के साथ शादी की तो तब उनकी उम्र क्या थी, तो हमें बताया कि इतनी कम उम्र में लड़की से शादी करना इस्लाम में जायज है या नाजायज। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने हमें कुरान और हदीस के जरिए हवाले देकर ये समझाया। तो आप लोग इस शख्स के बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर आगाह करिएगा। और अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाबात से मुतमईन हैं तो आप लोग उससे दरख्वास्त करती हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। सुनहरी बातें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि इस तरह की और मजीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।